हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी कैंडिडेट्स क्लासेस में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी सारे कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट लोको पायलट पद की तैयारी कर रहे हो न्यू अपकमिंग वैकेंसीज के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जब आप असिस्टेंट लोको पायलट पद की तैयारी कर रहे हो तो आपको CBT 1, CBT 2 एंड साइको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ 3 स्टेज एग्ज़ाम आपको एक मेडिकल के फेज से गुजरना पड़ेगा। तो उस मेडिकल फेज़ की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ALP के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड होती है रेलवे में, वो A1 होती है। तो क्या आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या आप A1 मेडिकल टेस्ट के लिए फिट हो या नहीं हो, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप इतनी लंबी जर्नी करके चले जाओगे और जब मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा भाई, तो जॉब से हाथ धो बैठोगे। तो उससे पहले क्यों अभी से सतर्क हो जाए, अगर आपको लगे कि A1 मेडिकल के लिए फिट नहीं हो तो आप टेक्नीशियन को ऑप्ट कर सकते हो फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो टेक्नीशियन की क्या जो है मेडिकल स्टैंडर्ड, ये किसी हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बट दिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, A1 मेडिकल टेस्ट के बारे में। और मैं अपना एक्सपीरियंस जो मेरा था मेडिकल का, वो भी बताने वाला हूँ। और मैं आपको वो भी सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि भाई फिजिकल से रिलेटेड क्या क्या मेडिकल टेस्ट होते हैं, विजुअल जो होती है, आई से रिलेटेड क्या क्या टेस्ट होती है। मैं सारा चीज़ एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इस चैनल पर नए हो भाई मेरे, तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि रेलवे में हर जॉब की प्रोफाइल्स की जानकारी, एग्जाम से रिलेटेड मोटिवेशन एंड गाइडलाइन आपको इस चैनल की हेल्प से मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि जो नोटिफिकेशन आती है रेलवे पे, उसमें देखो ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिख रहा होगा, A1, B1, C2 इस तरह से रहती है। तो जो A1 का आप देख रहे हो ना, तो ये इसमें देखो, इसमें फर्स्ट कॉलम में लिखा है कि भाई फिजिकली जो ये मान लेते हैं कि आप सारे चीज़ें फिट हो। अब फिजिकली का मानने का क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में। और यहाँ पे विजुअल वाले में देखो इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो है आपकी आई टेस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके, सबसे पहले हम लोग फिजिकल ना छोड़ के हम लोग विजुअल जो होती है आई के बारे में, उन टेस्ट के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है विजन टेस्ट। विजन टेस्ट क्या है, इसमें देखो A1 मेडिकल, ये A1 जो मेडिकल होती है इसमें 6x6 का विजन टेस्ट होना चाहिए, जो दूरी वाला जो टेस्ट होती है। ये कैसे होता है चलो बात करते हैं। 6x6 का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ लेटर दिए हुए रहेंगे 6 मीटर के डिस्टेंस पे, और 1 आई क्लोज करके आपको उस चीज़ को पहचानना है क्या उसमें रहेगा। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, बहुत सारे सी दिख रहे होंगे, ठीक है, कि आपका अल्फ़ाबेट के लेटर सी। तो ये सी क्या है, एक अल्फ़ाबेट का लेटर है। इसमें देखो कभी आपको राइट, कभी लेफ्ट, कभी अप, कभी डाउन, इसका कट साइड दिख रहा होगा। तो वहाँ पर जब आप मेडिकल देने के लिए जाओगे तो आपको एक सी दिखाया जाएगा 6 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा करके, 1 आई क्लोज करेगा, और उस सी को आपको पूछेंगे वो कि बताओ अभी इस किस डायरेक्शन में कटा हुआ है। अगर लेफ्ट में कटा तो लेफ्ट बताना है, राइट कटा हुआ रहेगा तो राइट कटा तो राइट बताना है, लेफ्ट तो लेफ्ट, अप तो अप, डाउन तो डाउन। तो ये 4 डायरेक्शन में वो सी की कट डायरेक्शन पूछी जाती है, 1 1 आई क्लोज करेंगे और ये विजन टेस्ट 6x6 आपका हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कलर ब्लाइंडनेस, उसका टेस्ट तो मैं अभी जस्ट अभी आपको कर दूंगा। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, आपको इस तरह से कुछ बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और उसमें बहुत सारे कलर मिक्स रहेंगे और नंबर दिया हुआ रहेगा, उन नंबर को आपको वो पढ़ने के लिए बोलेंगे। जिन आपको अगर ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो अगर जिन सारे कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वो इस नंबर को पहचान ही नहीं पाएंगे। तो ये कलर ब्लाइंडनेस को वहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद होता है नियर विजन और फार विजन, जिसको लोग दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। उसमें भी आपको एक चार्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, लेटर बोलेंगे 1 आई क्लोज करके लेफ्ट से राइट पढ़ो, फिर दूसरा क्लोज करके राइट से लेफ्ट पढ़ो। इस तरीके से आपको जो नियर विजन है और आपका डिस्टेंस विजन वाला जो है, सॉरी हाँ, नियर विजन एंड डिस्टेंस विजन जो होती है वो टेस्ट कर लिया जाएगा। तो आई के अभी हम लोगों ने विजन टेस्ट बात किया, कलर विजन बात किया, और सॉरी कलर ब्लाइंडनेस की बात किया, और नियर विजन एंड डिस्टेंस विजन की बात की हम लोगों ने। फिर इसमें बाइनोकुलर होता है, ठीक है, अलग अलग, मतलब मेनली यही सारे टेस्ट होते हैं आई में। उसके बाद बताता हूँ मैं कि अगर आप सपोज़, ठीक है, कोई आई में सर्जरी करा के चले गए हो या कोई लेंस लगा के चले गए हो, तो क्या आपको लगता है कि आप वहाँ मेडिकल में पास हो जाओगे? अरे नहीं भाई, पकड़े जाओगे। वहाँ पे एक इस तरह के मशीन्स होती है, आपको वहाँ पे रखा जाएगा इस तरीके से, और आई पे लेज़र लाइट मारी जाएगी और चेक किया जाएगा क्या आपने कभी कोई मेडिकल सर्जरी करवाई है या कभी आपने कभी लेंस लगवाया हुआ है। तो सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये कभी गलती मत करना आँखों पे सर्जरी करा के आप सोचोगे इस एग्ज़ाम में आप मेडिकल पास कर जाओगे, ये ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको इतनी सारी जो स्टैंडर्ड होती है आई से रिलेटेड, आपको अगर आपकी सही है, विदाउट ग्लास की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे चश्मा नहीं पहनना है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप A1 मेडिकल आई टेस्ट में पास करके चले जाओगे। तो ये तो आपका हो गया आई टेस्ट। नाउ फिजिकल फिटनेस की ये बात करते हैं कि
ऑल एस्पेक्ट में आप यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। देखो सबसे पहले आप जब जाओगे तो आपको वहाँ पे एक ब्लड एंड यूरिन टेस्ट लिया जाएगा, और वो जब सैंपल ले लेते हैं तो उस पर अपना वो चेक करते हैं भाई कि यूरिन टेस्ट आपको भी पता है कि क्या क्या वो चेक कर सकते हैं। ब्लड सैंपल से आपका शुगर वगैरह चेक करेंगे, तो जब ब्लड सैंपल वगैरह दे दोगे जब नॉर्मल बंदा फिटनेस फिट रहेगा तो उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं होने वाली। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला, एक्सरे। एक्सरे वो सिर्फ चेस्ट का लेते हैं, ठीक है, ये भी नॉर्मल है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट, उसमें देखो बहुत सारे ऐसे ट्यूब्स लगाए जाएंगे, आपके चेस्ट पे लगाया जाएगा, पैर पे लगाया जाएगा, और ये इस तरह से ईसीजी का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ईसीजी का जो टेस्ट होता है ये भी बहुत नॉर्मल है। अब बात करेंगे जो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं, नी नॉक एंड फ्लैट फुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब इन लोगों ने बोला कि फिजिकल एस्पेक्ट हर एस्पेक्ट में आपको फिट होना है, तो उसमें लिखा नहीं है कि भाई आप फिजिकल मतलब फ्लैट फुट हो या चाहे नी नॉक हो उसमें फिट हो, लेकिन वो मानते हैं कि फिट हो। लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है कि आप डिफेंस में तो नहीं जा रहे हो, तो इसमें मैंने रेलवे जेई का भी मेडिकल दिया हुआ है और असिस्टेंट लोगों पायलट का भी मेडिकल दिया हुआ है, और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी मेडिकल दिया हुआ है। तो फ्लैट फुट और नी जो नॉक होती है बहुत रेयर ना के बराबर चेक की जाती है। मान लो कोई ऐसा मेडिकल स्टाफ होगा जो डिफेंस एक्स सर्विसमैन होकर अगर उसमें ज्वाइन किया होगा, तो भाई वो डिफेंस वाला बंदा है तो वो चेक कर लिया है, तो ये आपके लक पे डिपेंड करेगा। तो मेनली जो होती है फ्लैट फुट एंड नी नॉक यहाँ पे नहीं चेक किया जाता है, ये जो मेनली प्रोसेस होता है ये आपका डिफेंस के लिए होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे एवन मेडिकल टेस्ट आपका हो गया होगा कि भाई विजन टेस्ट कैसा होना है, कलर ब्लाइंडनेस कैसा होना है, निकट दृष्टि दूर दृष्टि कैसे लेना है, सैंपल्स लिए जाते हैं, एक्सरे होता है, ईसीजी टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फ्लैट फुट के बारे में बताया, और उसके बाद जो होते हैं फाइल्स एंड हाइड्रोसिल्स। अगर जिनका प्रॉब्लम भी रहेगा तो भाई वो अगर पता उनको चल जाती है तो ऑपरेशन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अगर आपको लगता है कि आप एवन मेडिकल टेस्ट के लिए फिट हो, देन आपको असिस्टेंट लोगों पैरेड पद जो होती है उसके लिए आपको ऑप्ट करना चाहिए। और भाई आप आराम से अभी से लगे रहिए, 2023 में वैकेंसीज आएगी। बट कोई अगर आपको डेट बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, क्योंकि ये 5 साल हो गई है, इसलिए हम लोग अनुमान लगा रहे हैं भाई कि रेलवे इतनी लेट कभी नहीं करती है, तो वैकेंसीज उसका इसी साल में आने वाली होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि रेलवे की हर जॉब की प्रोफाइल्स की जानकारी, एग्जाम से रिलेटेड मोटिवेशन और गाइडलाइन आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।